गंडा बरुड़ क्षेत्र में लगातार कार्रवाई के बाद भी अवैध काली रेत उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। रविवार को उत्खनन में लगे 4 ट्रैक्टर ट्राली को बरुड़ पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। जिला मुख्यालय से कोई 18 किलोमीटर पर है टांडा बरुड़ क्षेत्र। यहाँ लंबे समय से उमरखली मोहना इलाके में लगातार रेत उत्खनन का कार्य ट्रैक्टरों से किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस को मिल रही थी। पुलिस और खनिज विभाग ने मिलकर क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन पुख्ता और कड़ी कार्रवाई नहीं होने से अब पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई को कुछ नहीं समझते। बरुड़ क्षेत्र में लगातार क्षेत्र की नदी नालों में उत्खनन का कार्य तेजी से चल रहा था। शनिवार को बरुड़ पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार व टीआई गहलोत सेमलिया के मार्गदर्शन में उमरखली मोहना क्षेत्र से रेत का उत्खनन करते 4 ट्रैक्टरों को नाकाबंदी कर अलग अलग जगहों से काली रेत लाते पकड़ा। आरोपी राहुल पिता जगदीश मानकर 29 वर्ष निवासी कोठा खुर्द को उमरखली कुंदा नदी से अवैध रूप से रेत लाते धर दबोचा। राजू पिता रामलाल जाति मानकर उम्र 35 वर्ष निवासी कोठा खुर्द, सुंदरलाल पिता कर्मा जाति बारेला उम्र 24 वर्ष निवासी डोंगर चिचली, आरोपी राहुल पिता पन्नालाल जायसवाल 28 वर्ष निवासी कोठा खुर्द, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर इन पर धारा 379 के अंतर्गत चोरी एवं 3-18-1 खनिज अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर इन चारों आरोपियों को खरगोन न्यायालय पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस कार्रवाई से अवैध उत्खनन कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल बन गया है।